हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार और हमारे यूट्यूब चैनल अवध ग्लो पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि हम नोटबुक के पेज को किस प्रकार से बनाते हैं, वो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, नोटबुक के पेज को बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक नया ब्लैंक फाइल को ओपन कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे पहले तो पेज को सेटअप कर लेना है। पेज को सेटअप करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे पेज लेआउट टैब में। लेआउट टैब में आने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों, पेज लेआउट टैब में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पेज सेटअप। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको राइट साइड में एक एरो देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहां पे आ जाएंगे टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, सबको यहां पे 00 पर सेलेक्ट करना है। हम यहां पे इसको सेलेक्ट करके 0 करेंगे। उसके बाद दोस्तों, इसको भी हम 0 कर लेंगे। उसके बाद लेफ्ट साइड को भी हम 0 ही रखेंगे। उसके बाद राइट, इसको भी हम 0 कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, आप यहां पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो कर्सर है वो हमारे पेज के बिल्कुल स्टार्टिंग से आ चुका है। इसके बाद हमको अपने पेज पर टेबल को लाना है। टेबल को लाने के लिए हम यहाँ पे इंसर्ट टैब में आएंगे। इंसर्ट टैब में आने के बाद हमको टेबल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमको यहाँ पे केवल बस रो को सिलेक्ट करके क्लिक करना है। हमारा रो जो है हमारे पेज पर आ चुका है। उसके बाद अब हम पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमको इन सभी लाइनों के बीच का जो स्पेस है इसको हमको बढ़ाना है। सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों, यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिख रहा होगा, इस प्लस के ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है। हम जैसे ही क्लिक करेंगे, ये हमारा सभी जो रो है ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक शॉर्टकट आता है कंट्रोल शिफ्ट, उसके बाद ग्रेटर देन। आप जितना ग्रेटर देन दबाएंगे, हमारा उतना जो साइज़ है वो बढ़ता हुआ जाएगा। इसके बाद हमको ये हमारा लाइन है इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, जिससे ऊपर जो डेट और फिर एक रेड लाइन होता है वो हमारा बन जाए। इसके लिए हमको इस पर क्लिक करते हुए इसको नीचे कर लेना है। अब हम इसको जो हमारा कर्सर है, हम इसको लास्ट वाले लाइन में ले आके हमको केवल टैप प्रेस कर लेना है। ये हमारा जो लाइन है ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। हमको बस ध्यान इतना ही रखना है कि जो हमारा लाइन है ये हमारे पेज से बाहर ना जाए। तो दोस्तों, ये हमारा लास्ट लाइन था। अब हम फिर से ऊपर आएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमको एक लाइन का जो शेप है इसको ड्रा कर लेना है। लाइन के शेप को ड्रा करने के लिए हमें आपको यहाँ पे इंसर्ट में जाना होगा। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको शेप्स देखने को मिल जाएगा। शेप्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप शिफ्ट के साथ प्रेस करते हुए यहाँ पे इसको खींच लेंगे, जिससे आपका जो लाइन रहेगा वो टेढ़ा ना हो। अब बस हमको इस शेप का जो कलर है उसको चेंज कर लेना है और इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। तो इसके कलर को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले इस शेप को क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे शेप फॉर्मेट आएगा, इसको ओपन कर लेंगे। शेप आउटलाइन पे जाएंगे, इसके बाद इसका कलर चेंज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, शेप आउटलाइन के नीचे हमको इसका विड्थ, मतलब जो चौड़ाई होता है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम इसको 1/2 पॉइंट कर लेंगे। इसके बाद हमको इस शेप को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे हम कंट्रोल प्रेस करेंगे तो हमको यहाँ पे प्लस का आइकन जो है वो दिखने लगेगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे हम ड्रैग करके इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। एक हमारा इसी का डुप्लीकेट जो रहेगा हमारा बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों, जैसे मैंने इस तरह का लाइन लिया है, वैसे भी हमको यहाँ पर राइट में दो लाइन चाहिए। इसके लिए फिर से इंसर्ट टैब में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे शेप पर क्लिक करेंगे, यहाँ लाइन ले लेंगे जैसे मैंने पहले किया था। उसी तरह से शिफ्ट को प्रेस करते हुए हमको इसको नीचे लाना है। तो चलिए यहाँ पे इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद फिर से यहाँ पे लेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर से इसे नीचे ले आएंगे। शिफ्ट प्रेस करके इसको नीचे कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे शेप फॉर्मेट में जाएंगे, इसका जो कलर है उसको रेड कर देंगे। उसके बाद इसके आउटलाइन को हम भी थोड़ा सा मोटा कर देंगे। अब इस तरह हम इस पर
लेकर आएंगे अपना जो माउस कर्सर है। उसके बाद माउस लेकर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमको कंट्रोल प्लस करेंगे, फिर से हम इसको यहाँ पे ऐसे इसका डुप्लीकेट बना लेंगे। दोस्तों हमारा इतना बनके रेडी हो गया है। अब बस हमको यहाँ पे डेट और पेज का जो शेप रहता है उसको बस लाना है। उसको करने के लिए सबसे पहले आपको इंसर्ट टाइप में आना होगा। इंसर्ट टाइप में आने के बाद शेप्स में, शेप में मैं यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे इसको ड्रैग कर लूँगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं इसको छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस यहाँ से छोटा कर लेता हूँ। ये हमारा रेडियो चुका। अब यहाँ पे हम इसको जाएंगे सेव फॉर्मेट में। सेव फॉर्मेट में जाने के बाद फिल, सेव फिल में यहाँ पे हम नो फिल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इस शेप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड टेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे हम जो हमारा रहता है डेट और पेज इसको लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं हम डेट, ये हमारा डेट आ गया है। इसको हम अब हम यहाँ पे डॉट 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 लिखते हुए चले जाएंगे। उसके बाद इंटर करेंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे हम पेज, PAGE। पेज लिखने के बाद फिर से हम यहाँ पे डॉट 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 करते हुए चले जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अब हमको आना है सेव पर। सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव फॉर्मेट, उसके बाद सेव आउटलाइन, यहाँ पे इसको हम ब्लैक कर देंगे। तो दोस्तों हमारा पेज बनके रेडी हो गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो और वीडियो आपके लिए अगर ज़रा सा भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।